फ्रेंड्स, हम लोग ये सब खाना लेके जाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे बनाना चिप्स लिया है और ये प्रोटीन बार, और यहाँ पे आलू पराठा बनाई हूँ, और ये चिकन एग रोल है, एग चिकन रोल, और ये टी है, और ये मुड़ी मिक्सचर टाइम पास के लिए, और पराठा के साथ खाने के लिए अचार, और ये ली हूँ मैं हेज़लनट ब्रेड के साथ, और ये मैं केक बनाई थी, तो ये केक है, और कुछ फ्रूट्स, और ये पोटैटो चिप्स। तो ये सब दोस्तों मुझे अभी बैग में डालना है और मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। और आज हम लोग फिर से एक ट्रिप में जा रहे हैं और हम लोग फॉल देखने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग तो घर से निकले हैं, लगभग अभी 5 बज गए हैं, बहुत ही लेट हो गया है फ्रेंड्स, और 6 घंटे हमें मतलब ड्राइव करके जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ऑन दी वे हैं, हम लोग को अपना गाड़ी साफ करवाना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कार वॉश करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे कि मैं सब बोल दी मैं सब बोल दी लग रहा है हम अपने गाड़ी में जा रहे हैं तो बहुत सारा सामान लेके तो जाएंगे ना, तो अपने गाड़ी में जाने से क्या होता है, बहुत सारा चीज लेके जाने में आसानी होता है, लेकिन फ्लाइट में जाए तो बस 2 ही बैग लेके जाना पड़ता है, जैसे कि फ्लोरिडा में हम लोग गए। तो पीछे की तरफ देख सकते हैं कितना सारा सामान, पूरा खाना पीना है, पानी है, खाना पीना है, यहाँ पे है, मैं आप लोगों को दिखाई दी पहले, ये चाय है, और पीछे तरफ हमारे क्लॉथ्स है और शूज वगैरह सब रखे हैं। तो 6 घंटा है, लेकिन अभी थोड़ा कम टाइम दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है 5 घंटे 5.5 घंटे दिखा रहा है। तो हम लोग को पहुँचते पहुँचते लग रहा है वहाँ पे 12 बज जाएगा, तो हम लोग होटल में जाके रुकेंगे और सोएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर सुबह उठ के हमें बहुत सारा जगह घूमना है और बहुत जल्दी उठना पड़ेगा लग रहा है। तो अभी हम लोग ऊपर जो जा रहे हैं दोस्तों, न्यू हैम्पशायर, तो वहाँ पे आप बोल दिए तो मैं नहीं बोलना चाह रहा, सही थंबनेल देख के तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो हम लोग अभी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे हम लोग जहाँ पे न्यू जर्सी में, यहाँ पे उतना फॉल नहीं हुआ है, बट यूजुअली अमेरिका में क्या होता है कि नॉर्थ से आता है धीरे धीरे साउथ की तरफ, तो हम लोग न्यू हैम्पशायर जा रहे हैं, तो उधर ऑलरेडी फॉल हो चुका है, अभी पीक सीजन है और अक्टूबर, मिड अक्टूबर में पीक सीजन होता है, तो वहाँ पे होटल भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग को होटल मिला दोस्तों लास्ट एंड मोमेंट पे, और होटल तो नहीं है, एयरबीएनबी है। तो आपको पता होगा यूएस में एयरबीएनबी जैसे रहता है कि आप गए रात में सोए और सुबह फिर ब्रेकफास्ट करके निकल गए, तो ये लोग अपने घर को ऐसे होटल की तरह, होटल की जैसा दे देते हैं, जैसे इंडिया में ओयो टाइप का होता है ना, वैसे यहाँ पे यूएस में एयरबीएनबी रहता है। तो अभी जाएंगे, अभी पहले न्यूयॉर्क आएगा, न्यूयॉर्क स्टेट क्रॉस करेंगे और फिर उसके बाद और कुछ कुछ स्टेट आएगा, आपको बताते चलेंगे हम लोग, तो बने रहिए, देखते रहिए। और न्यूयॉर्क का थोड़ा व्यू अगर दिखने के लिए मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और न्यूयॉर्क का एक वीडियो मैं आगे देने वाली हूँ, न्यूयॉर्क पूरा अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आगे क्या हमें देखने के लिए मिलता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा कहाँ लगता है सब्सक्राइब करने में, उसके साथ थोड़ा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आगे क्या क्या देखने के लिए मिलता है। Can you please make sure the back side is clean? हम लोग देखे कार बहुत गंदा हो गया है, तो अभी हम लोग कार वॉश करने आए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मंथली पास मिलता है, तो आप $8 या $10 का पड़ता है, तो उतना में देके आप अनलिमिटेड कार वॉश कर सकते हो, और ये मंथली रहता है, तो मंथली आप कभी भी आके कार वॉश कर सकते हो जस्ट $8 में।
गाड़ी से उतरना नहीं पड़ता है और यहाँ पे मशीन्स रहते हैं तो कार बाजार रहते हैं, चारों तरफ पूरा लगे रहते हैं ब्रश टाइप का एक, तो ऑटोमेटिकली सब साफ हो जाता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट होने वाला है हमारे गाड़ी का और अभी हम लोग कार में ही बैठे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ा हूँ दोस्तों, देखिए अभी न्यूट्रल किया हूँ, कुछ चलाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक चेन है वो रोलर में ऑटोमेटिकली चलते रहता है। मैं दिखाती हूँ कैसे होता है। बहुत सारे ब्रश रहते हैं दोस्तों, जैसे कि एक ब्रश है ये कार का लेफ्ट हैंड साइड साफ करेगा और इस तरफ जो है ये कार का राइट हैंड साइड साफ करेगा और ऊपर भी बहुत सारे ब्रश रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मशीन पे चलते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेशन काम में आ रहा है दोस्तों और कोई भी लेबर काम नहीं लगता है। एक ही था जो कि वहाँ पे असिस्ट किया हम लोग को टिकट करने के लिए और उसके बाद सब ऑटोमेटिक हो गया। और ये वाला जो है ये लास्ट वाला साफ किया अभी, अभी ऊपर से पानी आया। ये वाला यहाँ पे पानी आके पूरा साफ कर दिया, देखिए दोस्तों। और अभी हवा चलेगा तो हवा की वजह से अभी ये पूरा सूख जाएगा, आगे का कांच और बाहर का एक्सटीरियर जो भी है सब कुछ सूख जाएगा अभी हवा में। वहां पे दोस्तों हवा आ रहा है, अभी हमको बाहर निकाल दिया ये, तो अभी से हम लोग फिर कार स्टार्ट करेंगे अभी और फिर आगे चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बंदा अभी बंदी है अभी आज तो ये थोड़ा साफ करेगी बाहर, जितना भी बचा कुचा कुछ भी अगर लग गया है तो। अभी दोस्तों हम लोगों का कार पूरा क्लीन हो गया, बट अभी एक बाहर एक बंदी है, ये थोड़ा कपड़ा लेके थोड़ा साफ करेगी। ये साफ कर रही है पूरा, मतलब पानी वगैरह कुछ लगा है कि कुछ शैम्पू वगैरह अगर लग गया है तो ये पूरा साफ करेगी, फिर हम जाएंगे। जैसे इंडिया में बहुत सारे एक छोटे काम के लिए भी बहुत लेबर्स के जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सब ऑटोमेटेड ही होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम अपना ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा कार पूरा साफ हो गया तो अभी हम लोग जाने वाले हैं और रास्ते में क्या क्या होता है, कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं और यहाँ पे एक गैस स्टेशन था तो हम लोग कार में गैस भरवाए और यहाँ पे अभी हम लोग चाय पियेंगे। तो मैं चाय घर से बना के लाई थी, पूरा अदरक डाल के, अदरक इलायची। मैं चाय नहीं पीती फ्रेंड्स उतना, मैं कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जर्नी में हूँ, थोड़ा नींद आ रहा है तो थोड़ा पी लेती हूँ इसीलिए। कैसा लग रहा है चाय? बढ़िया लग रहा है। गर्म है, अच्छा है। मैं थोड़ा थोड़ा चीनी डालती हूँ, मुझे मीठा पसंद है। इनको तो बिना चीनी डाल के ही दे देने से भी पी लेंगे। नहीं अभी ठीक चीनी लगा,
और 4.5 घंटा दिखा रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि न्यूयॉर्क हम लोग दिखाने वाले हैं, लेकिन न्यूयॉर्क तो दूसरे तरफ रह गया और हम लोग बाईपास रोड में ही चले आए हैं। तो न्यूयॉर्क का थोड़ा थोड़ा झलक मैं आप लोगों को दिखाई, तो फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पूरा न्यूयॉर्क सिटी। तो अभी हम लोग चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सर्विस एरिया में। हाँ ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्लीज देखते रहिए। आप लोगों को मतलब लगेगा कि हमारे साथ आप लोग भी जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है। कार्ड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन मांगेगा, तो यहाँ पे एंटर करना पड़ता है जिप कोड देके। तो यहाँ पे 3 टाइप का रहता है, रेगुलर, सिल्वर एंड अल्टीमेट। ये सुपर कार और स्पोर्ट्स कार के लिए ये सब रहता है, बट हम लोग का रेगुलर है तो ये वाला अभी भर गया। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं एयरबीएनबी में, और अमेरिका में कैसे एयरबीएनबी होता है चलिए देखते हैं।